हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूँ विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है तेज बहादुर का नामांकन रद्द होना। सपा ने एक तरह से लास्ट टाइम पर तुरुप का इक्का फेंका था, अपनी जो कैंडिडेट थी शालिनी यादव उनका नाम हटाया और अपना जो उम्मीदवार घोषित किया वो BSF से बर्खास्त किए गए सिपाही तेज बहादुर को, और अब तेज बहादुर का नामांकन रद्द हो गया है, ये खबर आई है। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल आप ये जानना चाहेंगे कि ये रद्द क्यों हुआ और वजह क्या थी। तो जो कल नोटिस जारी किया था निर्वाचन आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वहाँ के वाराणसी के, उन्होंने ये एक नोटिस भेजा था कि कैसे जब उन्होंने एक निर्दलीय के तौर पर जब अपना पर्चा दाखिल किया तो उसमें एक क्लॉज होता है, वो क्लॉज ये होता है पर्चे में कि कैसे अगर आप सरकारी किसी जॉब में हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसमें अगर आपको हटाया गया है, पदच्युत किया गया है, बर्खास्त किया गया है, तो अगर डिसलॉयल्टी यानी अभक्ति और करप्शन, ये दो ऐसे बिंदु होते हैं, इनके आधार पर अगर आपको हटाया गया है तो आपको ये जानकारी देनी होगी कि इनके आधार पर हटाया गया है कि नहीं। तो तेज बहादुर ने उसमें हाँ और नहीं का ऑप्शन था, उसमें हाँ भरा, लेकिन जब उन्हें सपा ने अपना कैंडिडेट चुना और उन्होंने दोबारा पर्चा भरा सिंबल के साथ, सपा के सिंबल के साथ, तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि उसमें नहीं के बजाय हाँ के बजाय नहीं पे साइन किया, निशान लगाया और लिखा कि मैंने पिछले पर्चे में गलत भर दिया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया और बाकायदा उस नोटिस में ये बताया कि अगर आप इन दो मुद्दों पर यानी करप्शन और डिसलॉयल्टी के मुद्दे पर हटाए गए हैं तो आप 5 साल तक, जो नियम है 5 साल तक चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं हैं। और अब ये जो फैसला आया है कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, सपा को ये झटका है, तो ऐसे में तिवारी जी मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पास क्या ऑप्शन है तेज बहादुर के पास। देखिए, हर किसी के पास एक ऑप्शन होता है कि जब वो निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयोग के स्टैंड से सहमत नहीं होता है तो उसके पास कोर्ट जाने का रास्ता होता है, चाहे वो हाई कोर्ट जाए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए। आपको याद होगा कि गुजरात में भी जब पटेल, अहमद पटेल का जब चुनाव को चैलेंज किया गया था और जो डिसीजन हुआ था उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हुए थे तो फिर वो तत्काल कोर्ट चले गए थे। अभी भी वो गुजरात हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। ठीक, ऐसे ही तेज बहादुर यदि निर्वाचन अधिकारी ने जो भी स्टैंड लिया है और उनका पर्चा रद्द किया है, इसके खिलाफ वो तत्काल कोर्ट जाने का रास्ता उनके सामने खुला है। लेकिन जो आप चर्चा कर रहे थे, दो बिंदु जिसमें बताया गया है कि जिसमें लॉयल्टी शब्द है और करप्शन शब्द है, इसमें कहीं से भी तेज बहादुर कवर नहीं हो रहे हैं। उनके खिलाफ जो मामला बना था उस समय और जिस आधार पर वो बर्खास्त किए गए थे, वो इनडिसिप्लिन का मसला था। अब वो इनडिसिप्लिन को कैसे लॉयल्टी में और करप्शन में काउंट किया गया, और दूसरी बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि पहले उनसे मांगा गया कि आप जो है अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे वहाँ से NOC दीजिए, वो तो बात समझ में आ रही है क्योंकि हो सकता है कि अभी प्रोसेस उनका चल रहा हो। दूसरी बात ये आती है कि चुनाव आयोग को BSF ने लेटर लिखा, तो क्या वो सुओ मोटो हर किसी के मामले में होता है क्या? जैसे कोई IAS अभी VRS लेकर के और चुनाव लड़ता है, जैसे कि हालांकि अभी इसमें क्लियर नहीं है कि चुनाव आयोग ने BSF से जवाब मांगा या उन्होंने लेटर लिखा, नहीं मांगा, क्योंकि ऑफिशियली उनका कोई बयान नहीं। मीडिया में बात आ रही है उसमें ये बात आ रही है कि BSF ने चुनाव आयोग को कोई चिट्ठी भेजी थी। अब चिट्ठी भेजी थी और वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी लेकर के उनको देना था निर्वाचन अधिकारी के यहाँ, जो जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है, वो शायद वो सबमिट नहीं कर, उसके बाद वो कई गलतियाँ किए कि पैरामिलिट्री फोर्स के वर्दी पहन करके वहाँ पे उन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, इसके अलावा तिरंगा लहराया, तिरंगा तो लहरा सकते हैं लेकिन क्या पर्चा भरने के समय लहरा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। वो गलतियाँ अलग है, लेकिन क्या हर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के मामले में ऐसा ही होता है? यदि IAS चुनाव लड़ता है, VRS लेता है, 2 दिन के अंदर उसका VRS मंजूर हो जाता है, तो क्या उसके केस में भी मांगा जाता है? या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसका करेक्टर ठीक रहा है, उसका सर्विस रिकॉर्ड ठीक रहा है, तो जिनके ऊपर आरोप होता है, जो टिंटेड होते हैं, वो भी VRS लेकर के चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उनके मामले में भी ऐसे ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जाती है? ये सब देखने वाली बात है। दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं आपकी बातों से कि पहले तो जो डिसलॉयल्टी वाला मुद्दा है, क्या अनुशासनहीनता, क्योंकि कई बार उनके रिकॉर्ड का पढ़ाया कि 7 दिन जेल हुई, 14 दिन जेल हुई, कई बार उन्हें शराब पीकर उन्होंने हंगामा किया, सीनियर के साथ बदतमीजी की, सब आ चुका है उनका। और जो लास्ट टाइम हटाया गया वो दाल को लेकर उनका मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद ये सब बवाल हुआ और उसके बाद उन्होंने सीनियर्स के साथ कुछ किया जिसको लेकर उन्हें हटाया गया, ये बात आई। तो ये डिसलॉयल्टी में आता है कि नहीं, कोर्ट में उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आप जो इसमें इंटरप्रिटेशन है, यदि आप पैरामिलिट्री फोर्स में काम करते हैं तो जो फोर्स का डिसिप्लिन होता है वो बहुत सख्त होता है, वो आम कर्मचारियों से अलग उसके बायलॉज बने हुए हैं।
उसमें यदि बार बार आप अपने अधिकारी की या उच्चाधिकारी की बात नहीं मानते हैं और वो जो बात कहते हैं उसकी अवज्ञा करते हैं, तो स्वाभाविक सी है कि उसकी डिसलॉयल्टी में वो काउंटिंग करेंगे कि आप लॉयल नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और अपने अधिकारियों के प्रति। फोर्स में तो ये होता है कि जो आपको ऊपर से कहा जा रहा है सही या गलत वो आप मानेंगे, जब तक कि आपके पास कोई ऐसा तर्क ना हो कि आप उनकी बात को काट सके। तो हो सकता है कि उसका इंटरप्रिटेशन उन लोगों ने इस हिसाब से किया हो और जिस भी हिसाब से किया है तो उसके बाद उनके पास कोर्ट में जाने का रास्ता खुला होगा। तो साफ सी बात है कि पहले निर्वाचन आयोग ने क्या वजह बताई है नामांकन रद्द करने की, वो देखा जाएगा, और प्लस अगर उनकी तरफ से बीएसएफ की तरफ से कोई जवाब आया है या तेज बहादुर ने नोटिस का कोई जवाब दिया है तो उसको देखा जाएगा, उसमें क्या बताया गया है, किस वजह से उन्हें हटाया गया। उसके बाद जब कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट अगर टाइम बाउंड उसको तय करना होगा, अगर कोर्ट ये तय करेगा कि उनको सही हटाया गया नहीं हटाया गया, लेकिन सपा के लिए मुश्किल ज़रूर हो गई है। हालांकि ऐसे में शालिनी यादव ने भी पर्चा भर ही दिया था मना करने के बावजूद, तो क्या वापस शालिनी यादव को सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सपोर्ट करेगी अगर तेज बहादुर की किस्मत का फैसला कोर्ट के थ्रू भी उनके हक में नहीं आता है? तो देखने वाली बात होगी और हम आपको हर खबर की अपडेट उस खबर की खास तौर पर बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।